हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज तो बड़ी फेस कैम के साथ वीडियो आ रही है। यूजुअली मैं अर्ली मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, थोड़ा वर्कआउट भी हो जाता है साथ में, तो सोचा आज साथ वीडियो भी बना ली जाए। ऐसा होता है कि मैं घर से निकलता हूँ, 15 to 20 मिनट्स वॉक होती है, फिर रनिंग ट्रैक जहाँ पे वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, वहाँ फिर रनिंग वगैरह पुशअप्स एंड ऑल दैट स्टफ वर्कआउट वगैरह करके फिर अगेन 15 to 20 मिनट्स की रनिंग है, वॉक करके मैं घर आ जाता हूँ। सो आज वॉक करते हुए सोचा साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड कर ले, लेकिन इस तरह से वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बैकग्राउंड में आपको बहुत आवाज़ें शोर सुनाई दे रहा होगा। खैर, इसका भी कोई इंतज़ाम कर लेंगे, माइक शायद मैं फिर कनेक्ट किया करूँगा। वैसे मेरी टेंशन ये नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो वीडियो जब बनाऊँगा देखें ये शोर फिर होगा। खैर, इंटेंशन होती है वीडियो बनाने की तो मैं साथ में माइक वगैरह ले आया करूँगा, फिर जो है ना आपको शोर नहीं सुनाई देगा। खैर, आज के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बाय द वे, मैं आज की वीडियो में 3 से 4 टॉपिक्स पर बात करने वाला हूँ, वो ज़रूरी है, बाकी बातें इग्नोर करें। रिसेंटली जो मैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन के लिए स्टेडियम का अपडेट करते हुए आ रहा हूँ, लाहौर, कराची एंड पिंडी का। लाहौर का ज़्यादा हमने एक्सक्लूसिव अपडेट किया क्योंकि वहाँ पे काम शुरू हो गया है। कराची साइड पे भी आते हैं, फिर पिंडी की तरफ भी आते हैं। इसके अलावा जो टीम में ग्रुपिंग चल रही है, जो मैं आपको बता रहा था T20 वर्ल्ड कप से पहले भाई के टीम एक होकर नहीं खेल रही, यूनाइटेड स्टैंड एंड दिवाली फॉल की पॉलिसी पे नहीं चल रही, सब बिखरे हुए हैं। शाहिन शाह अफरीदी का ग्रुप, बाबर आजम का ग्रुप और जो कैप्टनसी ली गई, सारा PCB का कसूर है इसमें। ना शाहिन अफरीदी का कसूर है, ना बाबर आजम का। ज़का अशरफ PCB चेयरमैन बने थे ना, उन्होंने सारा मामला ख़राब किया था, जो साया कॉरपोरेशन और ऑल द स्टफ के बीच में इन्वॉल्व हुआ था। खैर, इस पर भी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेडियम्स का अपडेट कर देता हूँ। रिसेंटली वैसे मैंने तीनों स्टेडियम्स का आपको अपडेट कर दिया था, अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं आ रही, 2 से 3 दिन हो गए हैं। पहले मैं लाहौर का अपडेट कर देता हूँ। लाहौर का मैंने आपको बताया था जो डिमोलिशन प्रोसेस है वो सारा हो गया था, मलबा शलबा उसकी सारी सफाइयाँ चल रही थी। सो अब उसके बाद सॉइल टेस्ट वहाँ पे भी शुरू हो गया था लाहौर में, जहाँ पे मेन बिल्डिंग गिराई गई थी। उसके बाद अब एक्सक्यूवेशन भी शुरू कर दी गई है। अब कितनी मंजिल इमारत बनेगी, कितने फ्लोर की पोजीशन बनेगा, वो आने वाली वीडियोज़ में अपडेट होता रहेगा, लेकिन इनसाइड फिलहाल ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि पोवेलियन के नीचे जो है बेसमेंट, वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह बनाई जाए, क्योंकि आजकल या पुराना जो पोवेलियन था आपने देखा होगा स्टेडियम में खलारा खड़ा हो जाता था, PCB की गाड़ियाँ तो लोकल गाड़ियाँ, लोकल तो खैर छोड़ते नहीं है, लेकिन जो VIP ऑफिशल्स की गाड़ियाँ होती थी या जो प्लेयर्स के बसेस वगैरह आती थी, वो पोवेलियन के बैक साइड तो सारी जगह घेरी जाती थी, कुछ तो है वो जो पोवेलियन के इन साइड नीचे चली जाती थी। मुल्तान का पोवेलियन भी इस तरह से है, पिंडी का भी। तो अब बेसमेंट में बताया जा रहा है कि वहाँ पे पार्किंग के लिए मोस्ट प्रॉबली पोवेलियन के नीचे जो है ना जगह बनाई जाए, उसके ऊपर जो है फिर वो फ्लोर्स बनाए जाएंगे। अब कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग बनती है वो आने वाले टाइम में चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। जहाँ तक रही कराची स्टेडियम की बात, उसका भी मैंने आपको पिछली वीडियो में अपडेट किया था, वैसे तीनों स्टेडियम का मैंने थोड़ा थोड़ा कर दिया था। कराची का ये है कि उसके फार एंड पे जो बिल्डिंग बनाई जा रही है मीडिया बॉक्सेस के लिए, उसके लिए सॉइल टेस्ट चल रहा था, वो बताया जा रहा है कि अप्रूव हो चुका है, अब बिल्डिंग बनेगी। वहाँ पे भी सॉइल टेस्ट हो गया था। पिंडी साइड पे फिलहाल इस तरह का कोई काम हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन जो है टीमें वगैरह विजिट वगैरह हो रहे हैं, मतलब कि सर्वे वगैरह चल रहे हैं। लेकिन पिंडी साइड पे आपको पता है कि आगे बांग्लादेश का टूर आ रहा है, इंग्लैंड का, वेस्ट इंडीज़ का, उसके मैचेस दिए हुए हैं पिंडी को, मुल्तान को एंड कराची को। सो पिंडी, कराची एंड मुल्तान ये बिजी हो जाएंगे FTP होस्ट करने में। लाहौर में तो बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी तक कोई मैच हो रहा ही नहीं है। खैर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें बड़ा बजट अप्रूव हुआ है, 12-13 अरब रुपये कम नहीं है, और 4 से 5 अरब रुपये डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, 12 स्टेडियम्स अलग से अंडर करेगी PCB अपने, एंड ओवरऑल कंट्री में मैंने आपको अपडेट किया था कि 100 स्टेडियम्स उस पर जो ग्राउंड स्टाफ है एंड उनके लिए फंड्स वगैरह अप्रूव करेगी। भाई 12 से 13 बिलियन रुपीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। खैर, इस पर बहुत काम होगा आगे, और जो लोग जजमेंटल हो रहे थे मैंने पिछली वीडियो में, उनके लिए भी वीडियो बनाई थी। खैर, अभी से जज ना करे, खर्च करेगा PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, ये बात है कि क्रिकेट का पैसा है, क्रिकेट पे खर्च होगा। तो फिलहाल ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इतना आप अपडेट रखें अपने आपको, उसके बाद जो जो चीज़ें आएंगी वो हम आपको आने वाली वीडियोज़ में कवर करते रहेंगे। आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉपिक की तरफ, तो उसमें जो है ना भाई खच बची हुई है। शाहिन शाह अफरीदी का अलग ग्रुप है, बाबर आजम का अलग ग्रुप है। मैं आपको T20 वर्ल्ड कप से पहले कह रहा था कि देखे ग्रुप बंदी शुरू हो चुकी है टीम में, एक होके नहीं खेल रहे, लेकिन आप लोग कहते थे कि नहीं, अपने आप से इमेजिन करके, अपने आप से बातें करी जा रही हैं, कोई ग्रुपिंग नहीं है। अब तो वो जो पाकिस्तान के हेड कोच है जेसन गिलेस्पी भी आ गए हैं, साथ में गैरी क्रिस्टन भी आ चुके हैं, कल मीटिंग भी हुई, और इसके साथ साथ जो असिस्टेंट कोच हैं अज़र महमूद वो भी थे। उन्होंने खुद कहा भाई कि टीम में ग्रुपिंग चल रही है, शाहिन शाह अफरीदी सही से बिहेव नहीं कर रहे, और जो है मिसबिहेव किया कोचेस के साथ, मतलब इन साइड बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन हमें पता नहीं होता। हाँ, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मोहम्मद आमिर को, लाख इख्तलाफात होने के बावजूद भी बाबर आजम के साथ वो एक होकर खेले, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। लेकिन आपको पता है कि सर्जरी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं मोहसिन नकवी, PCB चेयरमैन, की बड़ी सर्जरी होने वाली है, आपने देखा वो हाफ रियाज को भी हटा दिया, एंड देन
जो है ना अब्दुल रजाक को भी हटा दिया। सो सर्जरी तो शुरू की हुई है लेकिन फिर पूरी सर्जरी करें वो शाहिद अफरीदी की बात, लेकिन शाहिद अफरीदी भी बीच में इन्वॉल्व हो गए तो ये मसले मसाइल फिर बीच में आ जाते हैं। देखिए भाई, इसमें शाहिद अफरीदी का, शाहिन अफरीदी का, बाबर आजम का, मोहम्मद आमिर, किसी का कसूर नहीं है। मैं एक बंदे को कसूरवार ठहराता हूँ, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, जो कि हैं एक्स पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ, जिन्होंने खर्च डाली बाबर आजम से कैप्टनसी लेकर शाहिन शाह अफरीदी को दे दी, और फिर बाबर आजम ने यह गलती की कि शाहिन शाह अफरीदी से अगेन कैप्टनसी ले ली। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक ज़का अशरफ ने की थी, ग्रुपिंग उसने क्रिएट की। वो अगर शाहिन अफरीदी को कैप्टनसी का ना कहते, शान मसूद को बीच में इन्वॉल्व ना करते, खैर टेस्ट कैप्टनसी का तो फिलहाल वो मामला सेटल है, उसमें कोई बातें नहीं है, लेकिन उसमें भी आप देखिएगा आने वाले टाइम में, फिलहाल तो शान मसूद इस तरह पर कोई नहीं छेड़ रहे, लेकिन यह है कि टेस्ट कैप्टनसी भी उस टाइम गलती की थी, करनी थी तो एक ही बार में सब करते और फिर वापस ना लेते शाहिन शाह अफरीदी से। वापस भी ले ली उस टाइम बाबर आजम, ठीक है मैं आपकी बात से भी एग्री करता हूँ कि बहुत चांस मिल गया बाबर आजम को, इतने चांसेस तो किसी कैप्टन को नहीं मिले, बाबर आजम को बहुत चांसेस मिले, उसने यूटिलाइज नहीं किया अच्छे से। फाइनल सेमीफाइनल दो तीन टूर्नामेंट्स वो खेल चुका है, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, टी20 वर्ल्ड कप हो, लेकिन परफॉर्मेंस वो नहीं दे सके और कोई टूर्नामेंट विन नहीं कर सके, ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जिस तरह से उनसे कैप्टनसी ली और फिर वापस दी, और फिर शाहिन अफरीदी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थे या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थे मेरे ख्याल में वो सीरीज़ वो हार गए थे, फिर उनसे कैप्टनसी ले ली, तो शाहिन अफरीदी के दिल में तो आएगा ना, वो भी इंसान है ना, कि भाई मुझे कैप्टन बनाया, एक सीरीज़ दी और फिर वापस हटा दिया, फिर शाहिद अफरीदी ने भी इन्वॉल्व होना है ऑब्वियसली। मुझे इनके खेलने के अंदाज से ही शक हो गया था T20 वर्ल्ड कप से पहले ही, जब शाहिद शाह अफरीदी से कैप्टनसी ली थी आयरलैंड की सीरीज़, इंग्लैंड की सीरीज़, उस दौरान ही मुझे शक हो गया था कि ग्रुपिंग क्रिएट होगी और वही हुआ, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे थे। खैर जो भी है, कसूरवार ज़का अशरफ है, मेरी बात से आप एग्री करेंगे, वो ये कैप्टनसी ना लेते बाबर आजम से, बाद में आराम से T20 वर्ल्ड कप के बाद ले लेते, शाहिन अफरीदी को प्रॉपर चांस मिलता तो ये चीज़ें क्रिएट ना होती। पीसीबी के चेयरमैन को मैं इस हवाले से भी क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जो बात की उस पर उन्होंने काम किया, जो वहाब रियाज अपना क्लोज बंदा था उसको भी हटा दिया, कल आप अपडेट हो गए होंगे, मसूर राणा और सबकी छुट्टी, मतलब इस ट्रैक्टर की तरह प्रॉपर सर्जरी शुरू की हुई है मौसम नकी ने। सो एतमाद का बंदा है, बाकी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और जो पिछला इंटरिम गवर्नमेंट में जो कुछ हुआ, जो एक्स सीएम थे पंजाब के और फिर वो पीटीआई के, वो सारी चीज़ें साइड पे रखें, फिलहाल पॉलिटिक्स को साइड पे रखें। वैसे जो ओवरऑल काम कर रहे हैं एज इंटीरियर मिनिस्टर, एज पीसीबी चेयरमैन या सेनेटर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड इसी को लेकर मैंने आपको कहा हुआ है कि जो वज़ीर दाखिला की सीट इनके पास है ना, ये बड़ा की रोल प्ले करेगी इंडिया को पाकिस्तान लाने में, बहुत इन्वॉल्वमेंट है, सारा कुछ ही गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, एंड वो पीसीबी चेयरमैन भी हैं एंड वज़ीर दाखिला भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ सकती है। वैसे तो आजकल आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया क्या चला रहा है कि नवंबर में मे बी जय शाह जो है वो ICC के चेयरमैन बन जाए, अगर वो बन गए तो वो फिर मसला क्रिएट कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान में होस्ट होने को लेकर, फिर हाइब्रिड मॉडल इन्वॉल्व होना, एशिया कप की तरह, वो सारी चीज़ें फिर ये निकल के आ जाएंगी। लेट्स होप कि वो नवंबर चैंपियंस ट्रॉफी तक ICC चेयरमैन ना बने, उसके बाद बेशक बन जाए, लेकिन वो मसला फिर ज़रूर क्रिएट करेंगे, आपको पता है। खैर इस हवाले से क्या अपडेट निकल के आती हैं वो फिर आने वाले टाइम में अपडेट होता रहेगा, फिलहाल मीडिया पे ना जाएं, इंडियन मीडिया अपने मसाइल छोड़ रहा है, पाकिस्तान अपनी तरफ से लगा हुआ है, BCCI चुप करके बैठा हुआ है, ये उनकी आप देखें ट्रिक कि आखिर में वो कुछ जो भी करते हैं आखिर में करते हैं, अभी वो कुछ भी नहीं कर रहे, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी निकल के नहीं आ रही। हाँ इतना जय शाह ने बताया कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी ODI फॉर्मेट पे होगा, वो खेलेंगे, तो इतना ये सारा इतना पता लग गया है, बाकी अब कहाँ पे होना है, हाइब्रिड मॉडल होना है, पाकिस्तान होस्ट करेगा या इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू दुबई श्रीलंका साइड पे होते हैं, वो अलग बहस है। फिलहाल इतना पता लग गया कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया खेल रहा है, ODI फॉर्मेट पे होगा, अब वो पाकिस्तान आता है नहीं आता वो आने वाला टाइम ही बताएगा। ICC का टूर्नामेंट है, कीप दैट थिंग इन माइंड, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया में है, डोंट फॉरगेट, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया में है, और 2031 का जो ODI वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया होस्ट कर रहा है। तीन टूर्नामेंट्स आगे ICC के आ रहे हैं, फिर पाकिस्तान को भी इंडिया ट्रैवल करना है, ये फिर टिट फॉर टैट निकल के आएगा आगे। सो लेट्स होप के अब पाकिस्तान क्रिकेट के हालात बेहतर हों और ये जो ग्रुपिंग बनी हुई है, अभी जो सर्जरी शुरू की हुई है मोहसिन नकवी ने, ये कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट लेकर आए। जो एक्स क्रिकेटर्स के साथ मीटिंग भी हुई, सब एक्स क्रिकेटर्स लेजेंड्स को इन्वाइट किया था, उनसे मशवरे लिए, सो लेट्स होप फ्यूचर में अच्छी न्यूज़ निकल के आए, ये ग्रुपिंग हटे, चाहे शाहिन शाह अफरीदी कैप्टन, मैं कहता हूँ अब तो शाहिन अफरीदी को आप बनाएंगे या बाबर आजम को बनाएंगे, वही ग्रुपिंग बीच में क्रिएट होगी, ऐसे बंदे को आप बना देना चाहिए। शान मसूद हैं टेस्ट में कैप्टन है, उनको ODI एंड T20I में फिलहाल एक ही कैप्टन बना दे या किसी और को बना दे, ताकि एक ग्रुपिंग का मामला हल हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है शान मसूद पॉसिबल नहीं है ना, ये तो मैंने अपने आप से आपको बताया। जो पॉसिबल हो सकता है, जो वाइस कैप्टन बनाए गए हैं मोहम्मद रिजवान को, ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, और मोस्ट प्रॉब्ली उनको वाइस कैप्टन बनाए, तो फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम को ही कैप्टन रखा हुआ है PCB ने, मोहसिन नकवी का कोई प्लान नहीं उसको हटाने का,
सो अगर बाबर आजम को हटा देते, मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना देते, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी भी इत्तेफाक के साथ खेलता, जमकर खेलता, मोहम्मद आमिर हो गया, बाबर आजम हो गया, सब एक होकर खेलते मोहम्मद रिजवान को अगर कैप्टन बना दे, क्योंकि वो फिर ग्रुपिंग हट जाएगी। मोहम्मद रिजवान को पहले भी कैप्टन बनाया जा रहा था टी ट्वेंटी फॉर्मेट में, लेकिन ज़का अशरफ के जितने भी स्टेप लिए हैं उन्होंने उसने सारी खच बचा दी है। ज़का अशरफ इन सब मामलों का जिम्मेदार है। वो जो कैप्टनसी ली थी और फिर वो सहायक कॉरपोरेशन के साथ वो इनसाइड जो ऑडियो लीक हुई थी, जो बातें उन्होंने की थी, उसने सारा काम खराब किया। और फिर बीच में शाहिद अफरीदी का इन्वॉल्व होना, देखिए ऊपर से तो पता नहीं लग रहा होता ना, इनसाइड बहुत कुछ चल रहा होता है थ्रू आउट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप, आपको ऊपर ऊपर से ऐसा लग रहा होगा कि एक होके खेल रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि पता नहीं लगता कि ग्रुपिंग है या नहीं टीम में। वो तो जब बाद में खबरें निकल के आती हैं, वो कोचेज ने खुद बताया, ग्रेग रिस्टन तो अब झूठ नहीं बोल सकते ना, वो तो साउथ अफ्रीका के बंदे हैं, लेजेंड क्रिकेटर हैं, वो अपने आप से तो नहीं बोलेंगे ना। वो कह रहे हैं कि वो मिसबिहेव कर रहे हैं, अच्छे एक होके नहीं खेल रहे, तो जाहिर सी बात है फिर टीम के इस साइड खिचड़ी मची हुई है ना, चार बना हुआ है। सो अब यही एक हाल है, मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाओ, वैसे तो बनाना नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम ही कैप्टन होंगे, उसके बाद ही फिर मसले हल हो सकते हैं। शाहिन अफरीदी को इनवाइट करेंगे या फिर पूरी सर्जरी जो है छुरी फेर देंगे, ये सारे जो सुनने में आ रहे हैं, माद वसीम, आजम खान, मोहम्मद आमिर एंड ऑल दैट, जितने भी प्लेयर्स हैं इनको हटाया जाए, यंग गन्स को जो है ना वो चांस दिया जाए, मोस्ट प्रॉबली टेस्ट सीरीज में तो ऐसा ही होगा। बाकी टी ट्वेंटी एंड ओडीआई में लेट्स सी, देखते हैं किस किस को हटाते हैं स्क्वाड से, किसको लेके आते हैं, वो आने वाला टाइम ही बताएगा। सो ये सब कुछ चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, खच मची हुई है। दूसरी साइड अब इंडिया की एग्जाम्पल लें, एक होके खेल रहे थे इसीलिए चैंपियन बन के आए हैं, और आगे अब देखें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बी टीम भेजी हुई है, एक भी टीम का बंदा नहीं है सिवाय शुभमन गिल के, वो भी स्क्वाड में नहीं थे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में, वो कैप्टन है, वो भी अब जिम्बाब्वे से जीत रहे हैं। पहले तो ठीक है टी ट्वेंटी है वो जीत लिया, तो उस पर कितना, हम तो बस मजाक बनाने का वेट कर रहे होते हैं कि इंडिया किस तरह से कुछ हार है, या तो हम मजाक बनाए, अपनी टीम का देखा नहीं है तुम लोगों ने, दूसरे पे लगे होते हैं। एक टी ट्वेंटी क्या आ रहा है, वो सारी यंग टीम खेल रही है, इसको भी देखें तो इंडिया अपने लिए तीन स्क्वाड अरेंज कर सकता है फिलहाल, ऐसा स्क्वाड उनका, ऐसा बेंच स्ट्रेंथ है। तो ये इंडिया के पीछे बातें करना, उनकी हार का वेट करना, इन चीज़ों से निकल के आओ, अपनी टीम के हालात पहले देखो, अपना कुछ किया हो तो फिर दूसरे पे बात करो, तो फिर कुछ बात बनती है। खुद का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप यूएसए से हार गए, उसके बाद किस तरह तुम लोग खेले, ये चीज़ें सॉल्व करो, अपनी टीम के अंदर ग्रुपिंग सॉल्व करो, फिर दूसरी टीम को देखो कि इंडिया कैसे खेल रहा है। वो तुम तो की नहीं बनता, तुम लोग इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, वो कैसे खेल के आए हैं, कैसे चैंपियन बन के आए हैं, और यहाँ पे तुम लोग की टीम में क्या हो रहा है। खैर ये चीज़ें थी सारी जो मैंने इस वीडियो में अपडेट करनी थी, आने वाले टाइम में मजीद टॉपिक्स पर बात होती रहेगी। फिलहाल धूप निकल आई है, मैं कोशिश करूँगा कि और भी बेहतरी लाऊँ वीडियोज़ में, स्टूडियो भी उसमें भी थोड़ी सेटिंग वगैरह चल रही है, बाकी जब वॉक के दौरान वॉक एंड टॉक पर भी वीडियोस आती रहे, ये शोर इग्नोर करना आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहे, डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ आती रहेंगी, आप स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ, सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आगे फॉलो कर लें, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, आप क्या कहते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है, और फिलहाल क्या चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।